अलग अलग प्रकार के षड्यंत्रों से दबाया जा लीजिए। शुभम भाई, आज हमारे देश को ना चारों तरफ से अलग अलग प्रकार के षड्यंत्रों से दबाया जा रहा है। हमारी बहन बेटियों को लवजिहाद में फंसाकर, हमारे बच्चों को अलग अलग तरीके से अंकित पाती राम राहुल रिंकू शर्मा बनाया जा रहा है। कहीं पर शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, रोटी के नाम पर उनके मत परिवर्तन कराए जा रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों को सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको आज एक होने की जरूरत है। अगर हम एक नहीं हुए ना तो स्वयं को अपने आप खत्म कर लेंगे। और यहाँ पर ना तेरा मेरा इसका उसका से लेकर ना आज हमारा पर आना पड़ेगा। अब जो नुकसान शुभम का हो वो मेरा नुकसान हुआ, जो सोनू का हो वो मेरा नुकसान हुआ। जिस दिन हम इस पे आएंगे ना, जब जाकर बात बनेगी। हम लोग वहाँ पर थे और मैं वहाँ पर उस बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, भाभी जी को। यार कुछ भी है, एक नारी के सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। वो बहन जी आई और बहुत ही ज़्यादा, एक साथ तीनों बच्चों को लेकर एक महिला आई, गाड़ी में दूसरी बिठाना था लेकिन समय नहीं था। सोनू भाई का वहाँ पर मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि सोनू भाई ने अपनी जान की परवाह नहीं की। सोनू भाई और मेरे से बोले भाई को गाड़ी बैठा, मैं दूसरी गाड़ी में जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, अभी आप लेके निकलो उनके क्षेत्र में, ऐसे निकलना गाड़ी से। मैं एक बार को सोचता अगर सोनू भाई की जगह होता तो, लेकिन सोनू भाई ने बोला तुम लेके निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इनकी गाड़ियों से करीबन जब तक ये सब निकलते होते तो मैं मेरे हिसाब से 25-30 किलोमीटर आगे निकल चुका था उनको लेकर, मेरी गाड़ी में थे। लेकिन एक मन में वो था कि पूरा क्षेत्र ऐसा था और वहाँ पर सारे ही बाबा खड़े हुए थे, बड़ा मन घबरा सा रहा था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक होता है ना, पॉजिटिविटी होती है कि चार गाड़ियाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो बहन रास्ते में जाते जाते चंदन भाई तो मेरे साथ थे, वो कह रही थी मुझे आज पता चल गया जो अपनी बेटी के सगे नहीं हो रहे, आज अपनी बेटी का ही हलाला करवा रहे हैं, अपने नवासे को बोल रहे हैं कि इसका खतना कराकर हम इसे इस्लामिक स्कॉलरशिप के लिए देवबंद भेज देंगे, इन दोनों बच्चों को किसी को गोद दे देंगे। और यूँ कह रहे थे बार बार कि ये बच्चे हराम है, हराम है। मैंने अपने बच्चों को 9 महीने कुक में रखा है, मेरे बच्चे मेरे लिए बच्चे लेकिन दूसरों के लिए हराम कैसे हो सकते हैं। मैंने इनको अपने दूध के साथ खुद पिलाया है, मेरे पति ने मेहनत की है। और वहाँ पर उस पति की हिम्मत की बात दूंगा फिल्मों में, आप स्क्रिप्ट के हिसाब से किसी को घुमा सकते हैं भाई, लेकिन ऐसी सिचुएशन में धैर्य रखना हर किसी के बस की बात नहीं होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर है कि ये जो टीम वर्क था ना सोनू भाई, तो चंदन सोनू भाई इज द बेस्ट जॉब। सब लोगों ने अपना काम बिल्कुल उस तरीके, देखिए एक चीज और भी मानता हूँ, जो जिसका कंट्रीब्यूट है, जो जिसका टीम वर्क है वो तो है ही है, लेकिन जब आप एक नारी को बचाने के लिए निकलते हैं ना सोनू भाई, तो आपके ऊपर ना एक दैवीय शक्ति का भी आशीर्वाद होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन धर्म में हमारे देवताओं का हमारे ऊपर अच्छे कर्मों में आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आप एक छोटा सा प्याऊ लगाइए, आपके उस प्याऊ की कभी भी गरिमा खराब नहीं होगी। लेकिन आप एक अपना स्विमिंग पूल बना लीजिए, उसके अंदर कौए बीट भी करेंगे, पत्ते भी जाएंगे, तो ये देवीय शक्ति है। एक और है परमात्मा का, जब भी आप अच्छा कार्य करने जाते हैं तो वहाँ पर परमात्मा आपका अपने आशीर्वाद के द्वारा आपको कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाकर आपको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो बोलूंगा सोनू भाई से, सोनू आगे से यार ऐसा मत करना कि तुम भाई निकल जाओ, तुम बिल्कुल ऐसे खड़े हुए थे अच्छा, क्योंकि है क्या जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन भगवान नगर को हमारे किसी भाई को दिखाने लगे समाज में, हम उन माँ को कैसे दिखाएंगे, भाई को कैसे दिखाएंगे। थोड़ा सा एक मिनट में बोलना चाहता हूँ, नहीं मैं बोलूंगा बात। वहाँ पर एक बच्ची और एक लड़की और तीन बच्चों की नहीं थी, बात थी कि वो जब बच्चे का खतना हो जाता या उस महिला का धर्मांतर हो जाता तो उसके बाद वो जो आगे वंश चलना था सनातन का वो खत्म हो जाता। वहाँ एक सोनू मरता पर जो आगे जीवन भर वंश चलना था वो खत्म हो जाता, हमें उस वंश को बचाना था और उसका माइंड में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, हमें ये वंश बचाना है, हमें सनातन बचाना है, सिर्फ यही बस। वाह 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 भैया वाह भैया वाह 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 वाह। यहाँ पे आदित्य शर्मा लिख रहे हैं, लग रहा है जैसे कोई फिल्म चल रही है। एक्चुअली मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि कोई फिल्म चल रही है, बिल्कुल। मैं पूरी तरह सहमत हूं आपके कमेंट से आदित्य भाई, पूरी तरह सहमत हूं। आज मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, विवेकानंद जी को याद करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर आपके समाज का कोई व्यक्ति एक दूसरे मत में जाता है तो ये मत सोचिए आपका एक व्यक्ति घट गया, आप ये सोचिए कि आपका शत्रु बढ़ गया। और जिस भी और हमारे मैं आज एक चीज बोलना चाहूंगा यहां पर शुभम भाई जी, चाहे प्रचार से चाहे कैसे भी करके, आज हर हिंदू मात्र 2 मुस्लिमों को घर वापसी कराने का टारगेट ले ले, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 2 लोगों को, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। आप उनसे डिबेट कीजिए, आप उन्हें कैसे भी करके मनाइए कि आप अपने घर में वापस आइए, आपको सम्मान मिलेगा। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा यार, टीम वाकई में ही, और मुझे बड़ा मजा आता है, चाहे मैं सुदर्शन वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, लेकिन यार इन लोगों का ना मुझे कार्यकर्ता बनने में बड़ा मजा आता है, और ये लोग गजब लोग हैं। वाह वाह, आपका बहुत धन्यवाद, बने रहिए आप सभी। अब मैं आना चाहता हूँ दीपक सिंह हिंदू भाई के पास पे। दीपक भैया आपने देखा ये पूरा आज का